ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ੀਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਅ ਕੇਸ ਵੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਨ ਅ ਕੁਐਸਚਨ Here we are given one, two, three, four jobs are there and four people are there. So पहला से देखना होंगा कि जो assignment problem है वो balanced है कि नहीं। ये वाली assignment problem balanced है। Four ही jobs हैं, four ही persons हैं उन jobs में करेंगे। Now first step, first step की साड़ी रहन्द है Hungarian method the first step की है row reduction. रो रिडक्शन मीनस असं पहला डिस्कस कर लिया हर एली हर रो विचो असं मिनीम एलीमेंट लवेंगे तो पर्टिकुलर रो विचो हर पर्टिकुलर रो विच हर एलीमेंट डिडक्ट कर देंगे सो फर्स्ट रो का मिनीम so, की है फोर एट माइनस फोर इज़ फोर सिक्स माइनस फोर टू फोर माइनस फोर इज जीरो नाइन माइनस फोर इज फाइव सैकेंड रो का मिनीम एलीमेंट की है फाइव सो सैवन माइनस फाइव टू फाइव माइनस फाइव जीरो सिक्स माइनस फाइव वन नाइन माइनस फाइव इज फोर थर्ड रो का मिनिमम एलिमेंट के नाइन नाइन माइनस नाइन इज जीरो वन टू एंड थ्री फोर्थ रो द मिनिमम एलिमेंट इज सिक्स सो इट विल बी नाइन माइनस सिक्स इज़ थ्री हेयर जीरो एट माइनस सिक्स टू इलेवन माइनस सिक्स इज फाइव सो फर्स्ट स्टेप वी आर डन विद रो रिडक्शन सेकेंड स्टेप की है साडा कोलम रिडक्शन कोलम रिडक्शन असी हर कॉलम कोलम्चों मिनिमम एलिमेंट चूज करा तो उसू उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स विचो माइनस कर देंगे इधर जीरो है सारे सेम ही रहेंगे फोर टू जीरो थ्री इधर भी जीरो है ये भी सारे सेम रहन गए टू जीरो वन जीरो थर्ड विच भी जीरो है सो थर्ड कॉलम भी सेम ही रहेगा फोर्थ विच वी डोंट हैव एनी जीरो सो एद मिनीम एलीमेंट चूज कराँ थ्री सो फाइव माइनस थ्री इज़ टू फोर माइनस थ्री वन थ्री माइनस थ्री ज़ीरो फाइव माइनस थ्री इज टू टू स्टेप्स हो गए रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन आफ्टर कॉलम रिडक्शन वी मेक असाइनमेंट्स दोबारा तो लिख लेने मैट्रिक्स नसाइनमेंट करने ली सो इट विल बी फोर टू जीरो टू टू जीरो वन वन जीरो वन टू जीरो एंड थ्री जीरो टू टू नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स असी स्टार्ट होंगे पहला रो वाइज असाइनमेंट दे, कर देन वी चेक कॉलम वाइज इफ़ एनीथिंग इफ एनी जीरो लैफ्ट असाइनमेंट असी जीरो पोजिशन पर करते हैं सो इन द फस्ट रो इधर ज़ीरो है फर्स्ट असाइनमेंट इधर हो जाएगी इस कॉलम कोई हो जीरो नहीं है ओके देन इन सैकेंड रो हेयर इज जीरो सैकेंड असाइनमेंट इत हो जाएगी सैकेंड रोच सेकेंड कॉलमेज सॉरी जीरो है वो क्रॉस हो जाएगा बिकॉज इस कॉलम्च इस पर्सन जो परसन टू है इसनों जॉब सैकेंड असाइन होगी सो हो और कोई जॉब नहीं असाइन कर सकते जिमें कि जॉब फोर आ रही है वो इसनों नहीं जॉइन कर सकते बिकॉज ऑलरेडी जॉब टू मिल चुकी है नाउ थर्ड कॉलम टू जीरो से इन फॉर द टाइमिंग छे फोर्थ कॉलम कोई जीरो नहीं है नाउ वी विल चेक कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम्च वी हैव वन जीरो इतना असाइनमेंट कर देंगे तो इस रो विच जो जीरो है उसनों घट कर देंगे सैकेंड कॉलम की असाइनमेंट होगी थर्ड द होगी फोर्थ विच कोई जीरो नहीं है नौ इतों देख रहे हाँ कि फर्स्ट रो सैकेंड रो थर्ड रो इन्ह असाइनमेंट होगी इन द सेम वे फर्स्ट कॉलम सैकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम विच असाइनमेंट होगी बट वी आर अनबल टू मेक असाइनमेंट्स इन द फोर्थ कॉलम एंड इन द फोर्थ रो अस फोर्थ रो विच भी नहीं असाइनमेंट कर पाए ना ही फोर्थ कॉलम विच असाइनमेंट कर पाए जा केस आ जाए व्हेन वी आर अनेबल टू मेक असाइनमेंट्स देन वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स सो आफ्टर मेकिंग असाइनमेंट्स दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ जो अस लास्ट लैक्चर दैट वॉज अ बेसिक

इफ ए टिक ट रो हैज़ अ जीरो दैन टिक दॉरसपोंडिंग कॉलम जे टिकट रोच कोई जीरो है तो उस कॉलम टिक करो इफ अ टिक टो हैज अ जीरो इफ ए टिक टो हैज अ जीरो दैन टिक दॉरसपोंडिंग कॉलम सो ए टिकिक हो जाएगा इफ ए टिकट कॉलम हैज एन असाइनमेंट टिक द कोरसपोंडिंग रो जे इस टिकट कॉलम कोई असाइनमेंट हो ही हुई है तो वह वाली रो भी क्लिक करो वाली रो भी टिक करो एक टिकट कॉलम है इथे असाइनमेंट हुई हुई है सो य वाली रो भी अस टिका आई विल रिपीट पहला असं ओ वाले रो टिक जिथे कोई असाइनमेंट नहीं हुई हुई सो फोर्थ विच कोई असाइनमेंट नहीं हुई हुई इनू टिक करा हूँ उस विच जे कोई जीरो है जे कोई जीरो है चाहे अक्रॉस है जे कोई जीरो है ਤਾਂ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਰੋ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ इन रिपीट करा जक टिंग नहीं हो जाती सो so, होर कोई रो नहीं है जेडी अनअसाइंड हो ही रो अनअसाइंड से अकॉर्डिंगली एक सर्कल कंप्लीट हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट इज ड्रॉ लाइनस थ्रू अनटिकड रोज एंड टिकड कॉलम्स लाइनस ड्रॉ करनी है अनटिकड रो तो टिकड कॉलम तो अनटिकड रो फर्स्ट रो इतों से लाइन ड्रॉ करा एंड थर्ड रो ड्रॉ लाइन थ्रू अनटिकट रोज जिकट नहीं है, नहीं है. नहीं थे थे है। रोज जोजिक नहीं लग्या उन्होंने असी लाइन न कवर कर देने एंड टिकट कॉलम्स. जिस कॉलम से टिक लगे उस पर भी लाइन लगानी है वाली रोज़ ते लाइन लगा जी टिक नहीं है कॉलम तो वो वाली लाइन लगानी है वह वाले कॉलम से लाइन लगावेंगे जोड़ा टिकट है सो इस तो बात अस अगर है एरो कवर हो गई हो प्लस उन्निया ही लाइनस होनी अस असाइनमेंट कर पाए से क्लीयर सो ओनिया ही लाइनस हैं वन टू थ्री जिन्हें अस असाइनमेंट कर पाए से प्लस ए वाली लाइनस ने जिथे जिथे जीरो है उसनों भी कवर कर दिता है इतने जीरो है नो डाउट अदर नंबर भी किता है पर जीरोज़ नारे जीरोज़ कवर कर दिता ए वाला जीरो भी कवर है ए भी जीरो कवर्ड है ए भी जीरो कवर्ड है ए वाला जीरो भी कवर्ड है ए भी जीरो कवर्ड है सो so, ए एक टिकिंग का इन्ना कु प्रोसैस है आफ्टर दिस वी हैव टू कैलकुलेट थीटा टी ਥੀਟਾ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ ਅਨਕਵਰਡ 엘ਿਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕਵਰਡ 엘ਿਮੈਂਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 211 322 ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨਕਵਰਡ 엘ਿਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ 엘ਿਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ 엘ਿਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 211 322 ਵਿੱਚ 1 ਹੁਣ ਇਸ 1 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਥੀਟਾ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ 엘ਿਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1, 1 3, 2, 2 सो सब्रैक्ट द थेटा दैट इज़ वन फ्रॉम ऑल अनकवर्ड नंबरस अनकवर्ड नंबर कि टू वन वन थ्री टू टू इना वन असी माइनस करना अस कि माइनस करा थीटा या इधर वन जिन्ना लाइन नहीं है जेडे अनकवर्ड है दैन ऐड थीटा टू नंबर हैविंग टू लाइनस पासिंग थ्रू दैम टू लाइनस पासिंग थ्रू दैम जिम्मे ये इंटरसैक्टिंग लाइनस है यह होसचली है ए वर्टिकल ए इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है जिथे इंटरसेक्टिंग नंबर है उत्थे असी थीटा एड थीटा थेटा कि वन है सो इधर टू दे विच प्लस वन करांगे, इधर भी इंट यंटरसैक्टिंग एलीमेंट है ए वन एड करा होलीमेंट नहीं है सो इंट इंटरसैक्टिंग एलीमेंट कि जड़ा टू लाइनस तो कट हो रहा है या एक तो एक तो ज्यादा लाइन तो कट हो रहा है वी कैन सी नंबर विद वन लाइन पासिंग थ्रू दैम रिमेनज सेम जिन्ना तो एक लाइन ही निकल रही है वह सेम रही फोर है जीरो है टू है इन्हों सिर्फ एक ही लाइन आई हुई है ए एस सच सेम ही रहने गए जीरो टू जीरो इन्हों भी सिर्फ एक लाइन ही है ये भी सेम रह सो जो असं हम लिखे हैं इधर करा असं की करना है थीटा सबट्रैक्ट थीटा फ्रॉम ऑल अनकवर्ड नंबर्स स्टेप बाय स्टेप कर लाने जिन्ना तो एक ही लाइन है वो सेम रहन सो फोर सेम रहेगा जीरो सेम रहेगा टू सेम रहेगा थर्ड रो रोच सेम रहेगा टू सेम रहेगा जीरो सेम रहेगा इन्ह तो एक ही लाइन से यह सेम रह हम जो इंटरसैक्टिंग एलीमेंट्स हैं उन्होंने असं थीटा एड करना इधर टू से टू प्लस वन इज थ्री इंटरसैक्टिंग एलीमेंट थर्ड रो का वन है वन प्लस वन इज टू जेडे अनकवर्ड एलीमेंट्स है एक् लाइन है जीरो जीरो तो भी एक लाइन है यह भी की रहेगा सेम रहेगा नीचे वाले जीरो तो भी एक लाइन से सेम रहेगा जेडे अनकवर्ड एलिमेंट है उन्होंने थीटा की करना माइनस सबजैक्ट थीटा फ्रॉम ऑल सो फ्रमकवर्ड नंबर सेकेंड रो दा टू, सी। टू टू, टू माइनस वन इज वन वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो लास्ट रो थ्री माइनस वन इज टू टू माइनस वन वन टू माइनस वन इज़ वन सो साडा कि आ गया रिड्यूस्ड मैट्रिक्स फोर थ्री जीरो टू वन जीरो 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 टू टू जीरो टू जीरो वन वन हूँ जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आया आफ्टर टिकेकिंग एंड एडजस्टिंग थीटा वैल्यूज ए फिर तो असाइनमेंट्स करा असाइनमेंट्स उम्मी है, फंडा उ इन फस्ट रो इधर अस् एक ही जीरो है इनू असाइन कर सकते हैं फस्ट असाइनमेंट होगी सैकंड रो न फॉर द टाइमबिंग छा थर्ड रो भी दो जीरो है इनू भी फोर्थ रो रोच एक ही जीरो है ओनू असं कर देंगे पर जड़ा असं फस्ट असाइनमेंट की है ना उस कॉलम जो कोई हो जीरो कट करना पहला फिर सैकेंड रो पर आना सो सैकेंड रोज टू जीरोस है वो छद देंगे थर्ड रो टू जीरो से देंगे फोर्थ रोच ये जो जीरो है इधर असाइन कर देंगे तो इस कॉलम जो कोई क्रॉस कर देंगे नौ रो वाइज अस चेक कर लिया नौ कॉलम वाइज इतने एक जीरो है इतने असाइन कर देंगे इस रोज जो जीरो है उसनों कट कर देंगे फर्स्ट रो होगी सैकेंड रो होगी थर्ड रो होगी इधर एक ही असाइनेबल जीरो है सो इतने असाइनमेंट कर देंगे नाउ वी विल सी कि सारी रोज तारी कॉलमेंट होगी फर्स्ट रो विच हो गई असाइनमेंट रो विच असाइनमेंट होगी थर्ड रो विच असाइनमेंट होगी एंड फोर्थ रो विच भी असाइनमेंट होगी फर्स्ट कॉलम विच भी होगी कॉलम विच भी होगी थर्ड कॉलम विच भी होगी एंड फोर्थ कॉलम विच भी असाइनमेंट होगी जेडे असं स्कोयर बॉक्स बनाए हैं विच नंबर है दीज ए ये जो बनाए हैं ये डिनोट करते हैं असाइनमेंट तो जोड़ा क्रॉस है वो डिनोट कर दिया कि इतने अभी असाइनमेंट नहीं कर सकते सो so, असाइनमेंट्स हो गई नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट मतलब साढ़े को फिजिबल सल्यूशन आ गया हूँ एरसपॉन्डिंगली जो भी सास्ट so, है दैट विल बी द फिजिबल सोल्यूशन सो टोटल कॉस्ट विल बी फोर्थ थर्ड एलिमेंट है थर्ड so है सो थर्ड का ये कॉस्ट कितनी है फोर सो इट विल बी फोर प्लस जीरो नाइन सी प्लस जीरो थर्ड रो की किस्ट है नाइन प्लस फोर्थ रो सेकंड एलिमेंट जीरो है फोर्थ रो का सेकंड एलिमेंट जीरो है कॉस्ट कि सिक्स जो असी कॉस्ट है वनूरसपोंडिंग मैट्रिक्स नाल कंपेयर करके उधे कोरसपोंडिंग रख के कैलकुलेट कर लेंगे फोर प्लस नाइन थर्टीन ट्वेंटी टू प्लस सिक्स ट्वेंटी एट सो असाइनमेंट कॉस्ट कि ट्वेंटी एट सो दिस वॉज द केस जो असी हर रो रोज हर कॉलम असाइनमेंट्स नहीं कर पाते दैन वी फॉलो द टिकिंग प्रोसैस कैलकुलेट थीटा आफ्टर दैट वी विल अगेन मेक असाइनमेंट्स जो इतने भी कोई रहें टिकिंग प्रोसैस फॉलो कैलकुलेट करना सोलूशन तक, तक ना आ जाए फिजिबल सोल्यूशन जो तो सारे रोज तारे कॉलमेंट हो जाए सो दिस इज आर ऑप्टीमल सल्यूशन इन द नैक्ट लैक्चर वी विस्कस अबाउट अन्ड प्रॉब्लम Unbalanced problem, thank you.